जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे और समझदार सुंदर भोले श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य में स्वागत करती हूं आपका। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये। 12 तारीख को नॉर्मल डे है, 13 तारीख को भी नॉर्मल डे है, 14 तारीख को है उत्पत्ति एकादशी, 15 तारीख को है प्रदोष जो बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, और महालया समाप्ति लिखा है इसमें। मुझे कुछ थोड़ी कन्फ्यूजन है इस विषय में तो मैं बोलूँगी नहीं। और 16 तारीख को है शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जो हर महीने में शिवरात्रि आती है उसी दिन सूर्य वृश्चिक में दोपहर 12:21 पर प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं आज आपको नीच के सूर्य ने क्या प्रॉब्लम दी थी और उसके बाद में जो अब ये सूर्य पॉजिटिव होने जा रहे हैं तो बताऊंगी आपको कि कितना फर्क पड़ जाएगा सब लोग को। 17 तारीख को अमावस्या है दोपहर को 3:29 के बाद, और 18 तारीख को यही अमावस्या कंटिन्यू करेगी शाम 5:11 तक। 19 तारीख को देव दीपावली है, ठीक है। तो देव दीपावली वैसे यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा माना गया लेकिन ऑल ओवर इंडिया देव दीपावली कहीं कहीं मनाई भी गई। तो चलिए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य के अंतर्गत मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। चंद्रमा सिंह राशि में मेष राशि, मेष राशि के लिए अब जो है सूर्य बदल रहे हैं और नीच के सूर्य निकल कर इनके अष्टम में आ रहे हैं। हालांकि सूर्य नीच के हो जाएंगे लेकिन बुधादित्य योग आपके हेल्थ के घर में बनाएंगे और आपको बेटर फील होगा अपने हेल्थ के विषय में। बुध की वजह से आप बहुत परेशान थे, जो नेगेटिव घर में बुध चले गए और वहाँ पर बैठे मंगल का घर जो था तो आप बहुत बेचैन थे कई कारणों से, लेके छोटी मोटी बुखार और स्किन की प्रॉब्लम, और मैं कह सकती हूँ कि आप कुछ भी त्वचा की प्रॉब्लम या मानसिक टेंशन से, तो इन सब टेंशन से बाहर आएंगे आप। शनि अपना काम कर रहे हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे ज़रूर। शुक्र भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पत्नी पार्टनर स्पाउस से अब रिलीफ होगा जो पहले आपको बेचैनी हो गई थी, और षष्ठ के मंगल अपने विरोधियों का ले रहे हैं समाचार, लेकिन षष्ठ के मंगल अभी शुभ घर में नहीं है तो उनको भी बदलने दीजिए, फिर और बेटर हो जाएगी आपकी स्थिति। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए सन्मुख आकर बुध ने आपको बहुत ज़्यादा धन का अभाव और बहुत ज़्यादा माइंड से परेशानी दी थी, बुध की वजह से नहीं, आपके मंगल के घर में बुध की वजह से, और जो मंगल बुध में और बुध मंगल के घर में इस वजह से बहुत मानसिक टेंशन, बच्चों की वजह से, अपनी वजह से स्थिति बदलेगी। अब सूर्य आ जाएंगे बुध के साथ में, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके पत्नी पार्टनर स्पाउस जो डिसीजन ले रहे हैं आपके लिए वो शायद सही होंगे। आपकी माता अगर आपके लिए कोई डिसीजन ले रही तो वो सही होगा, जो कि अनबन चल रही थी आपकी इतने दिन उनके साथ में, अब बेटर फील करेंगे। अपनी हेल्थ के लिए भी आप जो है सपोर्ट लेते रहिए अपने पिता समान लोगों का, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु आपको काम दे रहा है, काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आगे बढ़िए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब बहुत ही ज्यादा आपके लग्न के स्वामी बुध अस्वस्थ थे और षष्ठ में जाकर, हालांकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध वहां पर उच्च के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आपको मंगल की वजह से घरेलू परेशानियां, हेल्पर की परेशानियां, वाहन की परेशानियां, परिवार की परेशानियां, तो माता की तबीयत की चिंता, बिल्कुल चिंता ना कीजिए, अब ये समय सब बदलेगा, थोड़े दिन की बात है, 29 तारीख को तो बदलेंगे मंगल, लेकिन फिलहाल जो सूर्य सपोर्ट करने आ रहे हैं बुध को उसे आप काफ़ी रिलैक्स होंगे और जो शुक्र है उसको रिलीफ मिलेगा, आपके माइंड को, आपके बच्चों को, दोनों को रिलीफ मिलेगा। शनि महाराज आपके पार्टनर और पत्नी और स्पाउस को बना रहे हैं कर्मठ, थोड़ा सा पेट की कोई परेशानी आपको लगे कि आ रही है तो उस पर ध्यान दीजिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए लग्न में बैठा राहु आपको अभी तो कोई खासा परेशान नहीं कर रहा, लेकिन जो थोड़े थोड़े देर में आपको जिद्दी पना या गुस्सा जो छाता है उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। इसके साथ ही सूर्य ने आपके घर का सुख नष्ट कर दिया था जो अब मिलेगा आपको, और माइंड खुलेगा आपका 16 तारीख के बाद, आप बेटर फील करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक अच्छे डिसीजंस पर पहुंचेंगे आप। यात्रा में जो आपको तकलीफ हो रही थी उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, ये तकलीफ हट जाएगी, लेकिन फिर भी ये महीना तो निकल जाएगा, तो फिलहाल अपनी सूझबूझ से काम कीजिए।
शादी के लिए अगर उत्सुक हैं तो कोशिश जरूर करते रहिएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए द्वितीय में बैठा मंगल परिवार में विघटन और काफ़ी झगड़े लड़ाई इन सब से और प्रेम संबंधों में, तो ये कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता रहता है, कभी आपकी वजह से कभी दूसरों की वजह से, तो इसको टाल देना चाहिए। मैंने कई जगह पर लिखा है कि वक्त टलता नहीं है तो ठेल दो। तो फिलहाल आप श्री गणेश की आराधना करें, अपने मन को स्ट्रांग करने के लिए देखिए ग्रह जो होते हैं उनको जो करना है वो करके जाते हैं, लेकिन अपने मन को आप स्ट्रांग कीजिए क्योंकि अब सूर्य आपको सपोर्ट करने आएंगे लेकिन चतुर्थ में, तो बहुत ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आपका जो लेजीनेस है वो दूर होगा, काफ़ी आपको बेटर फील होगा। माइंड पे जो शनि बैठ के आपको कर्मठ बनाता है, आपके बच्चों को भी आपको अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति नहीं है, और प्रेम संबंधों में खटास ना लाइए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्न में बैठा मंगल आपको एकदम कहते हैं चिड़चिड़ा और गुस्से वाला बनाता है और आपकी तबीयत पर भी असर डाल रहा है। अब ये महीना तो मैं कहूँगी कि अभी तो मंगल बहुत ज़्यादा जोर में है, तो आपको श्री गणेश की आराधना करती रहनी है और साथ में आप कर सकते हैं आराधना शिव जी की भी, तो आपके कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट आपके माइंड से हो जाएंगे। वैसे जो ग्रह हैं वो अपना फल दिखा के रहते हैं और जो राहु बैठे हुए हैं लाभ में वो आपको पैसा दे रहे हैं, वो पैसा अभी फिलहाल संभाल लीजिए क्योंकि राहु जो पैसा दे के जाता है उसे वो खुर्द पुर्द बाद में कर देता है, तो ऐसे में आपको पैसा संभालना है। आपके परिवार में जो बेचैनी छाई हुई थी वो अब दूर हो जाएगी और पैसा और भी खुलेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्न में बैठा शुक्र गुरु सूर्य बहुत ही एक बेचैन स्थिति, और शुक्र अस्त हो जाते हैं सूर्य के कांटेक्ट में आने से और आपके लग्न के स्वामी हैं वो, तो आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी दबाव और आप काफ़ी टेंशन में आए हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि अब स्थिति बदल जाएगी और आप जो बोलेंगे लोग सुनेंगे, आपके घर वाले भी आपकी सुनेंगे जो आप परेशान थे। अभी फ़िलहाल जो काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मीडिया से टेलीविज़न से रिलेटेड कोई काम मिलता है तो ग्रैब कीजिए, आगे चल के ये अच्छा हो जाएगा। अभी चाहे आपको अच्छा फील हो ना हो बट थोड़े पैसे आने शुरू हो जाएंगे और पैसे आएंगे तो आपका मन अच्छा होगा। इसके साथ आपकी माता की और पिता की दोनों की तबीयत का ध्यान रखिए और अपने प्रेम संबंधों में भी कड़वा ना बोलिए, आपके कड़वा बोलने से भी बात बिगड़ सकती है। और अगर विदेश रिलेटेड कोई यात्राएं हैं तो अभी टाल दें इस महीने के एंड तक। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा बुध आपके स्वभाव के विपरीत और काफ़ी आपको बेचैनी अपनी पर्सनैलिटी को तबीयत को लेकर, ये अभी थोड़े दिनों की बात है, मैं आपको अच्छा संदेश दूंगी कि बुध महाराज निकल गए और धनु में आ गए, लेकिन तब तक जो सूर्य आएंगे लग्न में वो आपको काफ़ी काम से रिलेटेड और चालना देंगे कि और काम कीजिए और अपने पिता समान लोगों के साथ आपके काम होंगे, आपका मन बेचैन ठीक होगा। और जो आपके द्वादश में त्रिग्रही योग बना हुआ था और आपके प्रेम संबंध से लेकर आपके खर्चे और आपकी यात्राएँ विदेश सब जो बिगड़ी हुई थी जिसमें आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा था वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा सूर्य के लग्न में आने से। एक तेजस्वी ओजस्वी पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी, लोग अप्रोच करेंगे काम के लिए। पैसे रुके हुए हैं लेकिन पैसे रुके हुए हैं तो काम रुक जाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्न में बैठा शनि आपके स्वभाव को संयत बनाता है, काफ़ी समझदार हो गए हैं आप पहले से, लेकिन आप जो कभी कभी नादानियां करते हैं और कोई गलत बोल देते हैं जो केतु के आपके द्वितीय में बैठने की वजह से हो रहा है, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि केतु यहाँ पर मंगल सा व्यवहार कर रहा है, तो मंगल जो है वो क्रोधी और उत्तेजित ग्रह है जो कि मकर का मंगल उच्च का होता है, और मंगल आपके द्वितीय में आने से आप कड़वा बोलने लगे हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल करने के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, वो आपकी बुद्धि का भी विकास करेंगे, ना हो तो आप हनुमान चालीसा पढ़ लिया कीजिए, ना हो तो आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। आपके लाभ रुके हुए थे सूर्य की वजह से, आपका भाग्य रुका हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत बेचैन थे, अब शायद विदेश से आपको अच्छी खबरें आएँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और पैसा भी खुलेगा। हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं पेट की तो उन पर ध्यान दीजिए, और भ्रम हो रहा है नींद नहीं आ रही है तो पानी ज़्यादा पिएं, चांदी के ग्लास में रात को पिएं, चांदी के ग्लास में पानी भरकर साइड में रखें। मकर राशि, लग्न में बैठा केतु आपको द्वि स्वभाव बनाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, कभी बहुत ज़्यादा शांत, और एक अजीब सा मंजर है
के उच्च का मंगल आके शनि के घर में बैठ गया, तो ये स्थिति से निकलने के लिए आप महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। वैसे स्थिति निकलती नहीं, खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा आपकी मेंटल स्थिति में और नज़रिया बदल जाएगा आपका दुनिया देखने का। और जो पंचम का स्वामी है शुक्र, वो भी रिलैक्स हो जाएगा, तो बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएँ बेचारे बच्चों को भी थी और आपको भी थी वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके पिता से आपको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो मिलेगा और काफ़ी दिनों से आपको जो बेचैनी थी वो भी कम होगी, पैसे आएंगे। अब यहाँ पर एक विपरीत बात है कि भाग्य जो है वो अड़चन में है इस महीने के एंड तक, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। अपने प्रेम संबंध जो हैं आपके और विदेश रिलेटेड यात्राएं हैं, खर्चा है, उसमें थोड़ा संभालिए, तबीयत को भी संभालिए क्योंकि आपके लग्न का स्वामी द्वादश में चला गया है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि लाभ में बैठकर खूब सारा लाभ, बहुत अच्छा आपको फल दे रहा है और ये राहु षष्ठ में बैठ के ये भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाता है, और जो मंगल महाराज अष्टम में बैठे वो आपकी तबीयत खराब करते हैं। तो एक तरफ आपको काम आते हैं, एक तरफ आपकी तबीयत खराब होती है, तो आप बड़ी असमंजस की स्थिति में कि काम संभालूँ, घर संभालूँ कि तबीयत संभालूँ, तो ये स्थिति बदल जाएगी। ये महीना एंड होते से ही आप काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। और जो सूर्य भी अभी 16 तारीख को आपके दशम में आ रहे हैं, तो आपको काम करने का मन करेगा, सरकारी दरबारी काम बनेंगे आप सब लोगों के, और लाभ तो हो ही रहा है आपको। प्रेम संबंधों में कड़वा बोलकर अपने संबंध खराब मत कीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए सन्मुख बैठा मंगल आपको एकदम उत्तेजित गुस्से वाला बनाता है, और अभी वो अष्टम में आने वाला है इस महीने के एंड में, तो अभी से आपको बीपी वगैरह ब्लड से रिलेटेड जो समस्या है उसके लिए सावधान रहिए। फिलहाल त्रिग्रही योग आपके अष्टम में, जिसकी वजह से आपकी तबीयत थोड़ी नासाज और पार्टनर वगैरह से आपको बेचैनी, और शुक्र आपका विपरीत ग्रह है लेकिन अपने घर में बैठ के उसको काफ़ी कुछ सुधार चुका है। अब जो सूर्य निकल जाएंगे 16 को, तो आपको एक अच्छी नई रोशनी नज़र आएगी, कुछ आपके विरोधी आपको सपोर्ट करेंगे। अभी फिलहाल आपको बच्चों की भविष्य के लिए भी बड़ी चिंता है और माइंड आपका गलत सोच रहा है, तो उस गलत एंगल से बाहर निकलिए क्योंकि गलत सोच की वजह से लोग अच्छे अच्छे आपसे दूर हो जाते हैं। मकर का केतु आपको बीच बीच में पैसे बड़े दिलवा देगा लेकिन एकदम से फ्लो में नहीं आते रहेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। आप लोगों से एक बात शेयर करूं कि काफ़ी अड़चने और मुश्किलें थीं इस बार साप्ताहिक राशि भविष्य आपके साथ शेयर करने के लिए, फिर भी भगवान की दया से मैनेज हो गया। गॉड ब्लेस यू ऑल। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाइए और बुध की स्थिति को अच्छा कीजिए अपनी कुंडली में, और आपके व्यवसाय को भी बढ़ाता है बुध। पौधे लगाने से उसमें पानी खुद दीजिए और हरियाली होगी, पॉल्यूशन दूर होगा, स्वस्थ समाज की रचना होती है। आगे एक और बात से कि आप अपने बुजुर्गों का पूरा ध्यान रखिए, उनके साथ बुरा मत कीजिए, नहीं तो शनि राहु केतु जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए अच्छा होता है कि घर के बुजुर्गों का ध्यान रखा जाए आपकी कुंडली के हिसाब से भी, और वैसे भी एक अच्छे समाज की रचना के लिए ज्वाइंट फैमिली हमेशा अच्छी रहती है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड गुड बाय।